हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो सीटेट का एग्जाम है वो 1 दिसंबर को है एंड आपके पास जो है 2 महीने का समय है और इस 2 महीने में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। अगर आपने डीएलएड किया होगा तो आपको सीटेट का पेपर 1 एंड पेपर 2 इन दोनों की प्रिपरेशन करनी होगी। और आप जानते हैं कि अगर आप पहले से प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आपको थोड़ा इस समय जो है बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा हर एक सब्जेक्ट पे, क्योंकि डे बाय डे इनके जो क्वेश्चंस के जो पैटर्न है, इवन जो ऑप्शंस हैं, थोड़े डिफरेंट पूछे जा रहे हैं। पहले के जैसा नहीं है कि बहुत आसान सा क्वेश्चन दे दिया जाएगा और कुछ सेकेंड्स में ही आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा, ये तो डीएलएड के लिए, क्योंकि आपने अगर डीएलएड किया है तो आप जो है दोनों ही एग्जाम्स को जो है दे सकते हो। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि हमने जस्ट अभी एडमिशन लिया है बीएड और डीएलएड में, तो क्या हम सीटेट का पेपर दे सकते हैं? जी हाँ, अगर आपका एडमिशन हो चुका है आप दे सकते हो, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। वहीं पर जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको केवल पेपर 2 देना है और ये बीएड और डीएलएड दोनों ही इस फॉर्म को भरते हैं, तो इसमें फॉर्म भरने की भी संख्या ज्यादा होती है। कुल मिलाकर अगर आप देखो तो पेपर 2 में 17 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, कभी 14 लाख, कभी 15 लाख, बट इसको क्लियर करने की जो संख्या होती है वो 1 लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा रही। तो इसके क्या रीजन है कि स्टूडेंट्स का जो है क्लियर नहीं हो पाता है? प्लस आपको पता ही है कि आपका पेपर 1 दिसंबर को होना है, ठीक है? अब 1 दिसंबर को होना है तो आपके पास समय कितने बचे हैं? केवल 2 महीने। उसमें आपको सीडीपी भी पढ़नी है, लैंग्वेज भी पढ़ना है। अगर आपका पेपर 2 में मान लीजिए किसी का सब्जेक्ट सोशल साइंस है या फिर किसी का मैथ साइंस है तो उनको ये दोनों भी चीजें पढ़नी है। और पेपर 2 में अगर मैं बोलूं तो 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से केवल 60 क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट से आता है। और कहीं ना कहीं एक रीजन बनता है कि आपके स्कोर अच्छे आने का, क्योंकि अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आप 60 में से, फॉर एग्जांपल, अगर आप 50 या फिर 55 भी स्कोर लेकर आ रहे हो तो बाकी के सब्जेक्ट्स में भी आपके आराम से आ जाते हैं 20 से 25। तो ये जो एक सब्जेक्ट है ना सोशल साइंस, ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि यहां से आप आराम से 120 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक ये रीजन भी बनता है क्योंकि जिसने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी होती है तो उसका सोशल साइंस भी उतना अच्छा नहीं हो पाता है, 20 नंबर आते हैं, 23 नंबर आते हैं, और दूसरे सब्जेक्ट्स में फिर भी स्कोर हो जाता है बट यहां नहीं होता है, तो इस वजह से कभी नंबर 89 आ जाते हैं तो कभी 81 आ जाते हैं, और एक एक दो दो नंबर से यहां पर स्टूडेंट्स के रिजल्ट भी रुकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूं कि आपको सोशल साइंस के लिए किस किस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, प्लस सीटेट जो क्वेश्चंस पूछता है वो कहां से मेनली पूछता है, आपको उस पर फोकस करना चाहिए, सो दैट आपका आराम से 2 मंथ में ही आप आराम से 50 प्लस स्कोर करेंगे। एंड अगर आपका सोशल साइंस में 50 प्लस आता है तो बाकी के सब्जेक्ट्स में तो अच्छे आ ही जाते हैं, क्योंकि पेपर 2 में मेनली जो एनसीईआरटी पढ़ने वाला चीज है ना सोशल साइंस का, इतनी सारी चीजें याद करनी है। आप सोचिए, इसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पैडागॉजी, तीनों ही सिलेबस आप देखिएगा, बहुत सारी चीजें हैं, पूरी किताब ही पढ़नी होती है, और अगर इसमें अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है तो फिर नंबर भी कम हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ, और जो लोग पहली बार जुड़े हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि हमारे चैनल पे डेली 6 बजे मैं आपका सोशल साइंस का ही क्लास लेती हूँ। पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा हुआ था, हिस्ट्री हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है तो 6 बजे डेली होता है। आज हमारी ज्योग्राफी की पहली क्लास है और बहुत जल्द आपको हिस्ट्री का एक रिविजन वाला मैराथन क्लास देखने को मिलेगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी क्लासेस मिलती रहें, या फिर आप टेलीग्राम का जो लिंक कमेंट सेक्शन में है उसमें भी जुड़ जाना, वहां पर भी मैं लिंक वगैरह शेयर करती हूँ। बाकी जिसके पास टाइम नहीं है कि वो क्लास नहीं देख पा रहे हैं या फिर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से पढ़े, तो आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सअप नंबर पे, नोट्स लेकर भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स नोट्स से ही स्कोर करते हैं ज्यादा, क्योंकि रिवीजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करें। इसमें अब मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जो सोशल साइंस है, अगर मैं इसके एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो देखिए इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? 60 क्वेश्चन आएगा। अब ये 60 क्वेश्चन आप समझ सकते हो कि हर एक सब्जेक्ट से आएगा। इसमें आपकी एनसीईआरटी होती है हिस्ट्री, ठीक है? अब कभी हिस्ट्री का 15 क्वेश्चन आएगा, कभी 14 क्वेश्चन आता है, कभी 12 क्वेश्चन आते हैं, तो फिर भी आपको हिस्ट्री पूरी पढ़नी होती है। उसके बाद से आपका एक दूसरा है सब्जेक्ट ज्योग्राफी, ठीक है? ज्योग्राफी पे भी कभी 15 क्वेश्चन आ गए, कभी 14 क्वेश्चन आ गए, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, ऐसे भी मैसेज आते हैं, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से आपका आता है पॉलिटी, कुछ लोग सिविक्स बोलते हैं, कुछ लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं, बट इसका एक्चुअल नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है? तो ये पॉलिटी भी आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पॉलिटी से आपका जो पैडागॉजी वाला पोर्शन, जिसके लिए स्टूडेंट्स इतने परेशान होते हैं कि भाई पैडागॉजी का अलग से नोट्स दे दो, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, आपके पॉलिटी में ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहां से डायरेक्ट पैडागॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो ये तीनों मिलाकर अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो यहां से आपके 40 क्वेश्चंस कंफर्म है।
अब आप सोचो 60 में से 40 एक ह्यूज नंबर होता है, 40 डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज भी करते हैं कि जब से, क्योंकि देखो जब कोई पढ़ा नहीं होता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि कहां से क्वेश्चंस आ रहा है, बट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इवन आज भी सुबह में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि जो आपने नोट्स दिया है डायरेक्ट वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैच होते हैं। तो मैं ये स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूं कि जो 40 नंबर है ना वो एनसीईआरटी से ही आएगा। अब ये एनसीईआरटी आपको पढ़ना है 6 to 8 की, आप 6 to 8 का पढ़िएगा वो एनफ है। एक एक दो दो क्वेश्चन के लिए आपको बहुत हायर लेवल की चीजें नहीं पढ़नी है, क्योंकि मोस्टली सारे क्वेश्चन आपके 6 to 8 की ही किताब से आते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी तो आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, पूरी ज्योग्राफी, पूरी पॉलिटी, अगर आपने ये पढ़ लिया तो आप 40 नंबर अच्छे से स्कोर करेंगे। अब बात करते हैं पैडागोजी। देखो पैडागोजी के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जो लोग पैडागोजी की किताब खरीद रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि कहीं से पढ़ लें, तो पैडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको रटना नहीं है, जहां पे आपको चीजों को ये नहीं सोचना है कि बस इसी टॉपिक से आएंगे, क्योंकि पैडागोजी के हर बार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। अब इसको डेवलप करने के लिए मैंने हमेशा से सजेस्ट किया है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको केवल प्रीवियस क्वेश्चंस करने हैं। आप 10 साल के पैडागोजी के 20-20 क्वेश्चंस कर लीजिए, आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपका पूरा पैडागोजी अच्छे से तैयार हो जाएगा, आपको कोई दूसरे टॉपिक्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज भी आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि ठीक है, पैडागोजी के कुछ क्वेश्चंस की सीरीज आने वाली है, वो पूरा पीडीएफ मैं बना रही हूँ। जितने भी पूछे गए हैं अभी तक सारे पैडागोजी के क्वेश्चंस आपको एक पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका पैडागोजी का, यहां से आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको फोकस किस पे ज्यादा करना है जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें, तो आप समझ चुके होंगे कि ये 40 नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 40 समझने वाला नहीं है, ये 40 याद करने वाला है, फैक्चुअल चीजें पूछी जाएंगी। यहां से आपका जो ये नहीं पूछेगा कि आपको 1857 की क्रांति को समझना है, वहां से कंटेंट डायरेक्ट पूछे जाएंगे, एक एक चीज आपकी पूछी जाएगी, तो ये आप समझ के नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको याद करना होगा। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट अब इसमें से कौन सा है, तो कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि 15-15 करके भी पूछता है, कई बार 17 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार 14 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीनों एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, ठीक है। पैडागोजी के लिए कोई आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, मैं तो ये बोलूंगी कि आपको एग्जाम के समय कुछ दिन पहले, 10 से 15 दिन भी आप पहले अगर आप इसको रिवीजन कर लेते हैं तो भी हो जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो ये पूरी पैडागोजी तो आपकी ऐसे ही तैयार हो जाएगी। मेनली ये क्या है ना कि 40 नंबर ये आपकी खुद की मेहनत होगी, जो जितना एनसीईआरटी को बार बार पढ़ेगा, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, तभी जाकर आप कर पाएंगे। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न हो गया, 40+20=60 नंबर। तो ये आपका हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये होगी आपकी पैडागोजी। अब इसमें सिलेबस कुछ लोग पूछते हैं, तो देखिए सिलेबस इनका वही पुराना वाला ही है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस हिस्ट्री की किताब उठानी है, अगर आपके पास किताबें हैं वहां से पढ़ना स्टार्ट करो, 2-3 बार भी पढ़ोगे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलेंगे, आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। अब एक जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या ऐसा क्या करें कि हमारा इसमें 50+ आ जाए, ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल तरीका है जो सभी फॉलो करते हैं, आपको हर दिन बस कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ पाएं और उसका रिवीजन करें। इसमें कोई ऐसा मंत्र नहीं है या फिर कोई ऐसा कोई शरबत नहीं है कि आप जो है पी लेंगे और आपका आराम से 50+ आ जाएगा। आपको डेली पढ़ाई करनी है, डेली आपको एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करना है, और हर एक सब्जेक्ट पे, जैसे कि अभी हमारा ये हिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है 6, 7, 8, तो अगर आप चैनल पे भी जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे आप आधे घंटे की ही क्लास लेते हैं, तो इस तरीके से भी आपका पूरा तैयार हो जाएगा। अब जैसे आप में से कुछ लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी नोट्स हैं, अब वो नोट्स से भी पढ़ते हैं प्लस वो क्लासेस भी करते हैं, तो इसे डबल फायदा होता है। एक आपने खुद से पढ़ाई की, वो रिविजन हो गया, प्लस यूट्यूब क्लास पे मैं आपको बताती हूँ कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न इस तरीके से पूछा जाता है, तो यहां पर भी आपको बेनिफिट होता है। तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। लास्ट मंथ में अगर आप सोचेंगे कि चाहे मैं मैराथन करा दूं या फिर कोई भी आपको मैराथन कराएगा, एक हफ्ते में आप कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, वो एक नंबर से रुक सकता है, किस्मत अच्छी हुई तो एक नंबर से पास भी हो सकते हैं। तो मैराथन पे आपको फोकस नहीं करना है, अभी आपको लॉन्ग वीडियोज पे भी फोकस नहीं करना है, ये मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि जो चीज आप खुद अपने कॉपी में नोट करके पढ़ सकते हो या फिर नोट्स से जितना जल्दी कवर कर सकते हो, वीडियोस 3-3, 4-4 घंटे की वीडियोस कभी नहीं देखनी चाहिए जब तक आपका पूरा टॉपिक तैयार ना हो। हाँ, ये चीज है कि आपका पूरा आपने पढ़ लिया है, फिर आप मैराथन देखिए, फिर आप लॉन्ग वीडियोस देखिए, ठीक है, तो वो उसमें बेनिफिट करेगा। तो यहां पर मैंने बेसिकली आपको सारी चीजें बता दी है कि आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है, एनसीईआरटी पे। एक बार एनसीईआरटी तैयार हो जाएगी तो 40 नंबर आपने सिक्योर कर लिया, देन आप प्रैक्टिस करेंगे, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आपकी पैडागोजी भी तैयार हो जाएगी। एक चीज और है, जब भी आप कोई भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है, किसी का भी, चाहे आप किसी और की आपने किताबें ली होंगी, मटेरियल लिया होगा,
तो एनसीईआरटी के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा कि हिस्ट्री के किस टॉपिक से एग्जामिनर ने बार बार क्वेश्चंस पूछे हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो चाहे वो पॉलिटी हो। तो आपको एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस, ये अगर आपने डेली की तो आप इसमें 40 में से 40 लेकर आओगे। एंड ये पीवाईक्यूज करने के एक और फायदे होते हैं कि बिना किसी मेहनत के आपने पेडागोजी के भी 20 क्वेश्चंस खुद से सॉल्व किया है। और अगर आप खुद से सॉल्व करते हैं तो ये जो है प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है कि आप जो है चीजों को एग्जाम में भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें बता दी हैं एंड बाकी जो भी डाउट्स हो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। एंड आज जो है हमारी ज्योग्राफी की 6 बजे क्लास है और बहुत जल्द आपको मैं बताने वाली हूँ कि हिस्ट्री की हमारी जो लंबी वाली क्लास है वो या तो संडे को, इस संडे को कर लेंगे या फिर नेक्स्ट संडे को। तो इस तरीके से आपका पूरा तैयार होते जाएगा प्लस रिविजन भी। ठीक है, कहीं ऐसा ना करना कि पुरानी चीजें पढ़ते जाइए, नई चीजें पढ़ते जाइए और जो पुरानी चीजें आपने रखी हुई आप वो भूलते जा रहे हैं, तो ये गलती भी मत करना। थोड़ा पढ़ो बट रिविजन जरूर करो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं 6 बजे। बाकी जो भी डाउट्स होंगे पूछते रहिएगा, मैं उसकी रिप्लाई देती ही रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड नंबर पे आपको कॉल नहीं करना है नोट्स के लिए, व्हाट्सअप करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।